है माता रानी के भोग के लिए आलू की कचौड़ी। उसके लिए मैंने ये लिए छोटे साइज के 4 उबले हुए आलू, 1 कटोरी ये सिंघाड़े का आटा, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है बारीक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाव ले लेते हैं और उसमें मैं ये जो बारीक वाला रहता है ना, ये इससे मैं ये आलू कद्दूकस कर लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा मोटे से नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से आलू मैं कर लेती हूँ सब। देखिए आलू हमारे इस तरह से तैयार हो गए। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ ये सिंघाड़ी का आटा, थोड़ा सा हरा धनिया, मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, हरी मिर्च की मदद से हम पहले आलू को ही इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी पानी नहीं डालेंगे हम इसमें, अगर ज़रूरत पड़ी तब इसमें पानी डालेंगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती हैं और बन भी बहुत आसानी से जाती हैं। और ये कोशिश करें जब भी हम इस तरह की कोई भी कचौड़ी बनाएं तो जो कद्दूकस का जो सबसे छोटा वाला रहता है ना घिसने का, उससे हम कद्दूकस करें। उससे क्या है वो गांठ गांठ सी नहीं रहेगी आलू में और अच्छे से आलू उसमें ऐड हो जाएगा। अब ये इस तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ सब। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो बना लेंगे, क्योंकि ये सिंघाड़े का या कूटू का जो भी आटा रहता है ना, वो थोड़ी देर अगर रख देते हैं तो वो पतला हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें इसे थोड़ा टाइट ही गूँधें। और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूँध लेती हूँ इसको। देखिए इस तरह का हमारा डो बन के तैयार हो गया। इसे अब हम एक साइड में रख देते हैं और जब तक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख देते हैं। अब मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगी जिससे कि ये कचौड़ी आप आसानी से बना सकें, क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है कि ये वाली जो कचौड़ी है वो हमारी टूट जाती है, क्योंकि इसकी कचौड़ी थोड़ा सा लगता है कि हमें बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं ले लेती हूँ इस तरह की, ये पॉलीथीन आती है ना हमारे यहाँ, साड़ी आती है, ये जो भी कपड़े वगैरह आते हैं, तो इस तरह की हमें मिल जाती है आसानी से घर में। और अब हम इस पे लेंगे छोटा सा पीस इस तरह से इस आटे का, और इसका एक रोल सा बना लेते हैं इस तरह से। और ये बहुत आसान तरीका है, जैसे जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है बनाने में, इस तरह से बना के पूरा, और इसे हमें सेंटर में रखना है। और ये जो दूसरा पीस है इस पे भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से, और इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है हमें। इतना आसान तरीका आपको बताऊंगी, ये सब चीज़ें हमारे पास रहती हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और दूसरा, इस तरह की हमारे पास प्लेट रहती है घर में, हम उसको लेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर देंगे इस तरह से दबा के। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे इस तरह से हटा देंगे। हम एक कटोरी की मदद से इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, और इसके किनारे हम हटा देंगे। इसे हथेली, ये वाला जो रहता है हमारी उंगली, उससे इस तरह से निकाल के, ये देखिए कितनी आसानी से ये पूरी तैयार हो गई है। मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, इसमें मैं ये डाल देती हूँ ऐसे हल्के हाथ से इस तरह से। और ऑयल हमें जो है मीडियम लो फ्लेम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी, नहीं तो हमारी जो ये कचौड़ी है ना वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी टेस्टी। और इस तरह से करते हुए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से ये कचौड़ी हमारी तैयार हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारी कचौड़ी तैयार हो गई है। और ये जिन लोगों को बनाने में प्रॉब्लम होती है वो इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। मैं इस तरह से भी बनाती हूँ अगर मुझे जल्दी होती है, और एक तरीका मैं और बताऊंगी। ये देखिए बनके तैयार हो गई है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे दूसरा तरीका, इस तरह से हम जितनी बड़ी हमें कचौड़ी बनानी है उतना बड़ा पीस हम लेंगे और इसे ऐसे हाथों से करके, और ये हथेली की मदद से ना हम इसे इस तरह से कर लेंगे। जैसे गांव में वो बनाते हैं ना रोटी बनाते हैं उस तरह से, और इसे पतला कर लेते हैं जितना आपसे हो पाए। ये देखिए इस तरह की ये तैयार हो गई है।
चलिए हम फ्राई कर लेते हैं। और ये दोनों तरीके, जैसे मैं तो ये हाथ से बना सकती हूँ, मैं क्योंकि मुझे इस तरह की बनाने की आदत है। अगर आपको इस तरह का बनाने में प्रॉब्लम हो तो मैंने जैसे पॉलीथीन पे आपको बताया था, आप उस तरह से बना सकते हैं, वो बहुत आसान तरीका है। और आपको जो भी इजी लगे आपके हिसाब से, आप वो दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा। अब इसी तरह से हम बना लेते हैं सब पूरी। देखिए इस तरह से हमने ये वाली पूड़ी भी हमारी बनके तैयार है। पूड़ी बोलिए, कचौड़ी, इसमें आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसे दही के साथ या चाय के साथ, दूध के साथ आप ऐसे ही खा सकते हैं इसको। ये देखिए ये बनके तैयार हो गई है हमारी। अब हमारी व्रत वाली आलू की कचौड़ी बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लजीज होती है। और माता रानी आप इस तरह से बनाएंगे ना तो उनका प्रसाद बहुत अच्छा, वैसे भी माता रानी का कुछ भी हम भोग में बनाते हैं ना तो वो टेस्टी तो होता ही है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है और मेरा बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नवरात्रि स्पेशल नई रेसिपी के साथ।